छव दर्शन का यहाँ पंथ है। जोगी जंगम सेवरा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण। गांव में कोई जोगी गोरखनाथ के चेला आ जाए, वो एक रंगा के पहने का अचला कुर्ता गमछा, दाढ़ी भी बढ़ाता है, मोच झोटा, एक सरंगी रखता है, और आपसे गुदरी मांगे। महिला सब कहती है देखिए कितना निर्मोह साधु है, पैसा नहीं लेता है, अन्न नहीं मांगता है, गुदरी फाटल मांगता है। आपको पता है, जरा टेरिकोटेन वाला गुदरी दे के देख लीजिए, लेगा? वो सूती लेता है। 10 को गुदरी हो गया तो 50 नहीं 500 रुपया हो गया, आ गैरेज वाला सब गुदरी खरीद लेगा। आपको बुझाता है निर्मोह साधु है, अब 500 रुपया उसका बन गया। और शाम में क्या करेगा, 500 रुपया बना लिया, अब मछली भात बना के खा के अपना सो गया, दारू पी लिया। जोगी जंगम, और जंगम जो अघोरी रहता है जंगल में, वो काला के कपड़ा पहनेगा, दाढ़ी झोटा उसका भी बड़ा बड़ा रहता है, पूरे गर्दन में रुद्राक्ष पहनेगा, हड्डी तेलिया मसान टांग के रखेगा, खोपड़ी वाला हड्डी रखेगा, पूरा दारू पिएगा, मांस मछली खाएगा। अगर गांव में आ गया तो आपके हाथ पर मिट्टी देगा, कहेगा जरा सुनिए, तो गुलाब के फूल के जैसा। लोग महिला पुरुष उसको अच्छा कहते हैं, देखिए ये साधु है, कितना साल पढ़ाया है। सेवरा कहते हैं जैनी लोग, जोगी जंगम सेवरा, सेवरा है जैनी लोग। जैनी लोग नंगे रहते हैं सालों भर, वो नाखून नहीं काटते हैं, केसदारी नहीं काटते हैं, वो स्नान भी नहीं करते हैं, पैखाना करते हैं तो साफ नहीं करते हैं, मुंह भी नहीं धोते हैं, 24 घंटा में एक बार भोजन करते हैं और एक ही बार पानी पीते हैं। उनका कहना है औरत को मुक्ति होगा ही नहीं, नारी की मुक्ति नहीं होगी। अगर वो नंगा आ जाए गांव में, तब तो महिला पुरुष कहेंगे देख लीजिए कितना निर्मोह है कि एक कपड़ा भी नहीं पहन पाए, ये कैसा साधु है पहुंचा हुआ, एक कपड़ा भी नहीं पहन पाए। उनकी विशेषता है समाज में, जोगी जंगम सेवरा सन्यासी। और आप लोगों की इधर हो, हमारे बिहार में सन्यासी जाति के लोग बहुत हैं, और वो अपने को महादेव जी का जाति कहते हैं, कहते हैं ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। कहते हैं सारे भूमिहार ब्राह्मण का गुरु हम लोग हैं, और हमारे गुरु एक बार महादेव जी है, दूसरा कोई नहीं। वो लोग भी दाढ़ी झोटा बढ़ाते हैं, चंदन फटाका खूब करते हैं, इतना चौड़ा चंदन करते हैं जो भैंसी देखे तो भरत है। वो भी अचला को पिन पहनते हैं, कमंडल रखते हैं, अब पूरे परिवार रहते हैं घर में, खेती बाड़ी कर लिए, और जब सब सी से छुट्टी मिल गया तो भेष बनाए, कुछ कर्जा 5 रुपया लिए और निकल गए ठगैती में, ठागू करके साल 6 महीना में आए, घर पर आए, खूब दारू मछली तारी कर लिए, और फिर जब पैसा घट गया तो फिर कर्जा पैसा लेके चले गए अपना मांग मांग। वो अगर समाज में आ जाए तो उसकी प्रतिष्ठा है, लोग कहते हैं ये साधु है। जोगी जंगम सेवरा सन्यासी दरवेश। दरवेश कहते हैं मुसलमान के फकीर को, फकीर के हाथ में भी कमंडल लाता है, वो भी अचला पहनता है, वो भी दाढ़ी झोटा बढ़ा के रखता है, वो भी मुसलमान के तकरीर कराता है, लेकिन खाता क्या है, गाय के मांस और भात, भैंस के मांस और भात। उसकी विशेषता है समाज में, जोगी जंगम सेवरा सन्यासी दरवेश, और छठा है ब्राह्मण। आपके यूपी का क्या दशा है हम नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार के ब्राह्मण के बेटी के अगर ब्याह है और 10 गो बकरा नहीं कटाया तो ब्राह्मण नहीं गिना जाएगा, मछली नहीं आई तो उसका बेटी का विवाह नहीं होगा, बेटा के ब्याह में अगर रोहू मछली के डाला नहीं गया तो बरियात वापस आएगा, उसको ब्राह्मण कहा गया। बंधुओं, इस पर जरा विचार किया जाए, वास्तविकता है क्या, कहां से मेरा कल्याण होने वाला है,
ये खट दर्शन मिली पंथ चलायो तिरदेवा अधिकारी, और इसके अधिकारी है तिरदेवा क्या काम क्रोध लो, ये अधिकारी है, इसी की पूजा चल रही है, इसी तीनों की महत्व है आपके जीवन में। बंधुओं अपने आप को जाना जाए, अपने आप को पहचाना जाए, कहां से हमारा कल्याण होने वाला है, कौन हमारा कल्याण करेगा, बीड़ी पीने वाला करेगा कि खैनी खाने वाला, कि दारू पीने वाला कि तारी पीने वाला, कि भांग खाने वाला कि झूठ बोलने वाला, कि दलाली खाने वाला कि घूस खाने वाला, कहां से आपका कल्याण होगा। पहले तो आप अपने आप को जानिए, जिस दिन आप अपने आप को जान जाएंगे कि मैं कौन हूं,